इंडिया में खेलने का सपना एक बार तो हर भारतीय खिलाड़ी देखता है। करोड़ों में से वो कुछ ही होते हैं जिनका इस सपना पूरा हो पाता है। लेकिन टीम इंडिया में खेलने वाले कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो डेब्यू करने के बाद अचानक गायब हो गए। वो खिलाड़ी कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें डेब्यू का मौका तो मिला लेकिन वो ज़्यादा मैचों तक टीम इंडिया में नहीं दिख पाए। ये खिलाड़ी कई आईपीएल टीमों से खेलते हुए भी नजर आए लेकिन टीम इंडिया में इनकी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। आज हम आपको ऐसे ही 6 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो टीम इंडिया में तो आए लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाए। नंबर 1, सिद्धार्थ कौल। लिस्ट में पहला नाम सिद्धार्थ कौल का आता है। सिद्धार्थ ने पंजाब की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में शुरुआत की थी। आईपीएल में सिद्धार्थ कौल की एंट्री कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हुए 33 साल के सिद्धार्थ ने टीम इंडिया के लिए अपना पहला मैच 29 जून 2018 में आयरलैंड के खिलाफ खेला था। ये उनका T20 डेब्यू था। इसके साथ ही 2018 में उन्होंने पहले वनडे मैच भी खेला लेकिन अगले ही साल 2019 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 मैच खेला जिसके बाद वो गायब हो गए। सिद्धार्थ ने टीम इंडिया के लिए 3 वनडे और 3 T20 मुकाबले खेले लेकिन अब ना वो आईपीएल में दिखते हैं और ना ही टीम इंडिया में। नंबर 2, बरिंदर सरन। टीम इंडिया में जोश के साथ बरिंदर सरन का डेब्यू हुआ था। उनके डेब्यू पर लग रहा था कि वो टीम इंडिया में लंबे समय तक खेलने वाले खिलाड़ी होंगे। 2016 में डेब्यू करने वाले सरन ने 2016 में ही टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी मुकाबला भी खेला। वो टीम इंडिया के लिए 6 वनडे और 2 T20 मैच खेलने के बाद दिखाई नहीं दिए। आईपीएल में बरिंदर पंजाब, राजस्थान, मुंबई और हैदराबाद जैसी टीमों के लिए खेलते हुए नजर आए। नंबर 3, पवन नेगी। 1993 में जन्मे पवन नेगी का हाल तो इनसे भी बुरा नजर आया। आईपीएल में बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता जैसी टीमों में दिखने वाले पवन नेगी का टीम इंडिया में डेब्यू 3 मार्च 2016 को हुआ था लेकिन यही उनका आखिरी मैच भी साबित हुआ। यूए के खिलाफ खेले गए इस T20 मुकाबले में पवन नेगी ने भी इसके बाद टीम इंडिया में खेलते हुए नजर नहीं आए। अपने करियर के इकलौते मैच में पवन नेगी ने 3 ओवर में 1 विकेट हासिल किया था लेकिन पवन नेगी का यह मैच आखिरी साबित हुआ। नंबर 4, नवदीप सैनी। टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए खेलने वाले नवदीप सैनी का भी कोई अता पता नहीं है। राजस्थान, दिल्ली और बेंगलोर के लिए आईपीएल खेले नवदीप ने टीम इंडिया के लिए पहला मैच 3 अगस्त 2019 में खेला था। T20 से करियर की शुरुआत करने वाले नवदीप सैनी आखिरी बार 2021 में टीम इंडिया के लिए T20 मैच खेलते हुए नजर आए थे। अपने करियर में नवदीप ने 2 टेस्ट, 8 वनडे और 11 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं लेकिन नवदीप सैनी अब कहां हैं किसी को पता नहीं। और नवदीप सैनी अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते थे लेकिन आईपीएल और टीम इंडिया दोनों से नवदीप सैनी नदारद हैं। नंबर 5, सौरभ तिवारी। 33 साल के सौरभ तिवारी 4 आईपीएल टीमों में खेलते हुए नजर आए हैं लेकिन टीम इंडिया के लिए वो सिर्फ वनडे में डेब्यू कर पाए। तिवारी ने अपना पहला ओडीआई मैच 20 अक्टूबर 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। अपने छोटे से करियर में सौरभ ने भारत के लिए 3 वनडे मुकाबले खेले। साल 2010 से ही वो टीम इंडिया से गायब हैं लेकिन सौरभ तिवारी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनके अंदर टैलेंट बहुत कहा जाता था लेकिन पर्याप्त मौके नहीं मिल पाए। नंबर 6, शाहबाज नदीम। टीम इंडिया के लिए सिर्फ टेस्ट में डेब्यू करने वाले शाहबाज नदीम भी इस लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। 2019 में नदीम ने टीम इंडिया के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेला और सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेलने के बाद शाहबाज नदीम का करियर भी खत्म हो गया। 2 टेस्ट मैचों की 4 पारियों में शाहबाज नदीम ने 8 विकेट हासिल किए। नदीम ने आईपीएल में दिल्ली, हैदराबाद और लखनऊ की टीमों के लिए अपनी सेवाएं दी हैं लेकिन शाहबाज नदीम के ऊपर भी अब कोई टीम भरोसा नहीं जता रही है और शाहबाज नदीम का करियर भी टीम इंडिया में खत्म माना जा रहा है। तो जाहिर तौर पर ये वो 6 खिलाड़ी हैं जिन 6 खिलाड़ियों का डेब्यू तो टीम इंडिया में हुआ लेकिन उसके बाद में उन खिलाड़ियों का ज़्यादा दिन तक टीम इंडिया में रुकना नहीं हुआ। ये वो 6 खिलाड़ी हैं जिनको बहुत टैलेंटेड माना जाता था लेकिन उन खिलाड़ियों को ज़्यादा मौके नहीं मिले। आप इन खिलाड़ियों में से किस खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा बदनसीब मानते हैं? किस खिलाड़ी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा टैलेंट नज़र आता था? कमेंट करके ज़रूर बताएँ।